ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ महाभारत, और स्पेशली जो वॉर टाइम में, तो वो हमने देखा था कि वो उनको सिंबलाइज करते हैं. आई गिव यू अ क्विक समरी. धृतराष्ट्र हमारे अंधे मन को प्रतिनिधित्व करते हैं, संजय हमारी आत्मनिरीक्षण की क्षमता के प्रतिनिधि हैं. फिर हमने कहा कि पांच पांडव जो हैं, वो हमारे भीतर की पांच जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, सो टू स्टे अवे फ्रॉम ईविल, दैट इज दम, दैट इज सहदेव, टू गेट इनटू पॉजिटिव हैबिट्स, द कैपेसिटी टू स्टिक टू द गुड थिंग्स, दैट इज कॉल्ड नकुल. और अर्जुन हमारे सेल्फ नियंत्रण, या जिसको हम आत्मनियंत्रण या आत्मसंयम कहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं. भीम हमारे भीतर की जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं, द वाइटल फोर्स इन अस. एंड युधिष्ठिर रिप्रेजेंट्स द इनर पीस, द इनर कामनेस, द इनर इंटुइटिव फोर्स व्हिच गाइड्स अस. सो यू वांटेड टू नो मोर अबाउट दिस थिंग, सो once you read some more verses of chapter 1, you see there are certain warriors, those are with Pandavas. To six maharathiyon ke bare mein pehle baat hoti hai, followed by eight more, so 6 plus 8 warriors jo pandavon ki taraf se yuddh karte hain, who they are. So let's talk about these all today. तो आप देखेंगे कि सबसे पहले पांडवों की सेना का जब निरीक्षण किया जाता है, तो उसके बारे में ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में एक एक करके बताते हैं कि these 14 guys, they are with Pandavas and there are many others, they are standing with Kauravas. Now let me just connect you with a very small thing, but very interesting. जब हम ध्यान सीखते हैं, जब हम योग में प्रवेश करते हैं, आत्म उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो योग सूत्र, जो पांचलि का योग सूत्र है, आप सबने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा. Very interestingly, he explains that once you want to enter into the divine consciousness, you need to have six things with you. तो चार योग सूत्र के चार भाग या चार चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर के 20वें श्लोक में वो कहते हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम. सो दिस इज अ श्लोका ऑफ योग सूत्र. And Panjali expresses his way in a very scientific with a very scientific approach. अगर आप योग सूत्र पढ़ेंगे तो थोड़ा सा, मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मुझे तो शॉक लगा. पहले ही सूत्र में वो कहते हैं अथ योगा अनुशासनम. योग कहते किसे हैं? What is योग? तो एक धक्का सा लगा, मतलब सीधा सीधा कहते हैं अथ योगा अनुशासनम. योग जो है वो आत्म अनुशासन है, और अगर आपके जीवन में पहले से ही आत्म अनुशासन है तो यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यू नीड नॉट टू रीड दिस बुक, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच. तो बहुत ही अच्छे तरीके से फिर अगले सूत्र में कहते हैं, बट इफ यू डोंट हैव दैट आत्म अनुशासन इन योर लाइफ, देन यू नीड योग. And then in second line he explains what yoga is. तो वो कहते हैं, हाँ, योगश्च चित्त व्रति निरोधः. योग है चित्त की व्रतियों का निरोध, और हमारा जो चित्त है वो यहां से वहां से वहां, ये करूं ऐसे करूं, ये करूं वो करूं, restlessly it you know moves from here to there and we just get stuck into things. तो वो कहते हैं चित्त की व्रतियों को रोकना, और फिर वो चित्त की व्रतियां क्या हैं उनके बारे में बताते हैं, पांच तरह की व्रतियां बताते हैं, फिर एक 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 व्रति को एक्सप्लेन करते हैं. तो ऐसे वो 19 तक आते हैं, और फिर वो बताते हैं कि दीज आर द सिक्स थिंग्स यू विल नीड इफ यू वांट टू प्रोसीड फर्दर ऑन द पाथ ऑफ योगा. एंड योगा इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज द यूनियन. वंस चित्त की व्रतियां अगर एक बार रुक जाएं,
देन यू आर ऑलरेडी वन विद द डिवाइन. तो यू बोथ आर नॉट डिफरेंट. सो द इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस एंड द डिवाइन कॉन्शियसनेस, दीज आर नॉट टू थिंग्स, दे आर जस्ट वन. लेकिन वो अनुभव में नहीं आता. और अनुभव में कब आता है? जब चित्त की वृत्तियां हट जाती हैं. तो कहते हैं चित्त की वृत्तियों को हटाने के लिए आपको छह चीजों की जरूरत पड़ती है. सबसे पहले तो वो श्रद्धा की बात करते हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, है ना. तो ये छह चीजें, तो ये छह योद्धा हैं जो महाभारत में पांडवों की तरफ से लड़ते हैं. तो सबसे पहले योद्धा जिनका नाम आता है युयुधाना. युयुधाना दैट इज, अगर इसको अपन संस्कृत रूट देखें तो युद्ध means to fight, and इसका मतलब होता है, युयुधाना literally means he who has been fighting for his own benefits. So if we just go and try to find out the Sanskrit root of the word and we get the meaning of this, so we will find out one who has an ardent desire to fight to express his divine consciousness. हमारे भीतर की जो दिव्यता है उसको प्रकट करने के लिए जो एक युद्ध करने की तीव्र इच्छा है, तो श्रद्धा के बिना जो है वो संभव नहीं है. श्रद्धा पहली सीढ़ी है. तो श्रद्धा हमारे भीतर जो है वो बढ़ती जानी चाहिए. दैट इज अ वन थिंग. दूसरे जो वॉरियर है उत्तमजास, ही रिप्रेजेंट्स वीर्य, दैट इज द वाइटल एनर्जी, द फोर्स, द करेज. तो साहस की, शक्ति की, सामर्थ्य की जरूरत होती है. तीसरा वो कहते हैं स्मृति. तो चेतिताना ही इज अ वॉरियर, और वो स्मृति इज जो हमारे स्मृति, मतलब अगर इसको लिटरल मीनिंग देखेंगे तो दैट इज ऑल विच यू रिमेम्बर टिल नाउ. मतलब जो जो स्मृति का मतलब मेमोरी हम कह सकते हैं, पर यहाँ स्मृति का उपयोग जब संस्कृत में इसको देखते हैं, चित इसका रूट वर्ड है, एंड दे एक्सप्लेन इट एज एन इंटेलिजेंस. हमारे भीतर की जो इंटेलिजेंस है वो इसको रिप्रेजेंट करती है. तो सबसे पहले हमको श्रद्धा का भाव चाहिए, फिर हमारे भीतर जो शक्ति है हम उसको जागृत करें, उसका शक्ति हमारे साथ हो, फिर हमारी स्मृति या हमारा जो चित्त है, हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमारे साथ हो, फिर राजा विराट जो है वो समाधि को रिप्रेजेंट करते हैं. तो वी शब्द जो है दैट एक्सप्रेसेस द डिस्टिंक्शन, अपोजिशन और इम्प्लाइज इन डिफरेंस बिटवीन द रूलिंग ऑफ ऑर्डिनरी वे और रूलिंग और रिजन फॉर द डिवाइन कॉन्शियसनेस. तो समाधि वो स्थिति है जब हम एक यूनियन की स्थिति में आते हैं थोड़ी देर के लिए, एक यूनिफाइड कॉन्शियसनेस को जो हमारे चारों तरफ है हम उसको अनुभव करते हैं, उसको हम फील करते हैं. तो ये अगला ध्यान में गहरी स्थिति जिसे हम समाधि कहते हैं. और उसके बाद में काशीराज जो कि प्रज्ञा को रिप्रेजेंट करते हैं. प्रज्ञा इज हमारे भीतर की जो डिस्टिंक्टिव इंटेलिजेंस है, जो जो विजडम जिसे आप कहते हैं, वो शक्ति जो सही की तरफ हमें लेके जाती है. और छठी शक्ति जो है, जो द्रुपद जिसे कहा, द्रुपद जो है वो वैराग्य को रिप्रेजेंट करते हैं. हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था. वैराग्य मीन्स योर कैपेसिटी टू लिविंग एवरीथिंग असाइड एंड जस्ट बीइंग देयर व्हाटसोएवर यू आर डूइंग. तो ये छह शक्तियां जो है उनको पहले जागृत करने की जरूरत पड़ती है. तो एक बार एक एक करके देखते हैं. श्रद्धा की जरूरत होती है. श्रद्धा जैसे जैसे हमारे हृदय में बढ़ती जाती है, हमारा जो अहम है वो थोड़ा पिघलता जाता है. फिर उसके बाद जैसे श्रद्धा बढ़ेगी हमारे भीतर, हमारा सामर्थ्य, हमारी शक्ति जो है भीतर से जागृत होती है. हम अपनी शक्ति को, अगर श्रद्धा है तो अपनी शक्ति को एक जगह फोकस कर सकते हैं. ये ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य की प्रकाश चारों तरफ फैला है और लेंस लेके हम उसको जब एक पॉइंट पे लाते हैं तो दैट कैन, यू नो, लॉट ऑफ एनर्जी इज देयर. तो श्रद्धा को जागृत करने से अगली स्टेप में हम जो है अपने भीतर की जो शक्ति है, जो साहस है, उसको एकजुट कर पाते हैं. और श्रद्धा में जब होते हैं तभी हम एक जगह अपनी शक्ति को ला पाते हैं. इसके बाद स्मृति यानी कि हमारे जो इंटेलिजेंस है दैट कम्स इनटू एक्शन.
वो जो है अपना काम करने लगती है ठीक तरीके से। और उसके बाद ध्यान की गहरी स्थिति, ध्यान की गहरी स्थिति जिसे समाधि कहा, तो समाधि इज देन बुद्धि हमारी जैसे जैसे प्रबल होती जाती है, हम महसूस करने लगते हैं कि मुझ में और दूसरों में, मुझ में और प्रकृति में, आई एम दैट। तो बुद्धि में जब सूक्ष्मता आती है, बुद्धि में जब शुद्धता आती है, बुद्धि के भीतर जब पवित्रता प्रकट होने लगती है, तो हमको जो है दिखने लगता है कि क्या चीज को पकड़ना है, क्या चीज को छोड़ना है, जीवन को कैसे जीना है, तो वो बात हमको समझ में आने लगती है। जैसे जैसे हमको वो बात समझ में आने लगती है, हम उस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ एकाकार का अनुभव करते हैं। तो हमको ये छोटी छोटी थोड़ी देर के लिए करते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए करते हैं, जिसको समाधि कहा। और फिर उसके बाद जो अगला स्थिति है, जैसे जैसे हम इस ध्यान की गहरी स्थिति का अनुभव करते हैं, हमारे अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। एंड वो जो अगला स्टेप है, दैट इज कॉल्ड दैट प्रज्ञा। प्रज्ञा इज द प्योर विजडम। तो हमारे भीतर की जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, जो डिस्टिंक्टिव इंटेलिजेंस है, सही क्या है, गलत क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी नेटिव जो इंटेलिजेंस है, वो जो है वो प्रकट हो जाती है, प्रज्ञा प्रकट हो जाती है। और प्रज्ञा के प्रकट होते ही हमारे भीतर एक क्लैरिटी आती है, और वो क्लैरिटी से सारे बादल छट जाते हैं। जो थॉट क्लाउड की बात हम करते हैं, जो कंफ्यूजन्स की हम बात करते हैं, तो एक जीवन के सारे जो बादल हैं वो छट जाते हैं प्रज्ञा। तो जैसे जैसे वो प्रज्ञा हमारे भीतर प्रकट होती जाती है, वी हैव मोर एंड मोर एंड मोर क्लैरिटी। एंड द मोर क्लैरिटी वी हैव, हमारे भीतर जो है वो एकाग्रता बढ़ने लगती है, सघन एकाग्रता, 100% एक जगह होना, जिसे हम वैराग्य कहते हैं। तो दीज आर दी सिक्स फ्रेंड्स ऑफ आर्ट्स। जब हम ध्यान की स्थिति की तरफ बढ़ते हैं, जब हम अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं, तो ये छह तरह की आदतें, ये छह तरह की क्वालिटीज जो हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं। तो ये हुआ तैयारी, और अब हम एक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आगे के जो आठ योद्धा हैं, वो पांचली का जो अष्टांग योग का जो मार्ग है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आठों कौन हैं? ये अष्टांग मार्ग के तो आपको ध्यान होगा। अगले जो वॉरियर हैं, दृष्टिकेतु, ही रिप्रेजेंट यम। देन शब्या, ही रिप्रेजेंट्स नियम। देन कुंती भोजा, ही रिप्रेजेंट्स आसना। अगले जो वॉरियर हैं, युयुधानु, ही रिप्रेजेंट्स लाइफ कंट्रोल फोर्स और द प्राणायाम। एंड देन पुरुजीत जो योद्धा है, ही रिप्रेजेंट्स प्रत्याहार। एंड देन अगले जो सन ऑफ शुभुद्रा जो अभिमन्यु है, ही इज रिप्रेजेंटिंग सेल्फ मास्टरी। सो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये आपने जो जो आठों स्टेजेस हैं पांचली के योग सूत्र की, वो सारे के सारे स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। तो एक-एक इन नियमों के बारे में, योग सूत्र के इन सारे स्टेजेस के बारे में, इफ यू थिंक वी शुड टॉक अबाउट व्हाट दे आर, हाउ टू प्रैक्टिस इट। यम क्या है? तो देयर आर फाइव यम। फिर नियम क्या है? देयर आर फाइव नियम। तो ये आत्म अनुशासन की प्रक्रिया की तरफ बढ़ने की एक पहल है, इसका एक स्टेब्लिश्ड मार्ग है। और इसके बाद जब ये एक बार ये रास्ता बता देते हैं कि दिस इज द पाथ, देन ही सेज कौरवों की सेना के कौन कौन से वॉरियर्स हैं, उसमें जो है द्रोण है, उसमें भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्ता और जयद्रथ। तो जैसे ही योग सूत्र में छह क्वालिटीज जो आपको चाहिए उसमें प्रवेश करने के लिए, फिर वो पाथ जिस पे आपको चलना है, द एट स्टेप पाथ, और उसके बाद में ये जो कौरवों की सेना के जो सारे योद्धा हैं, दे आर अगेंस्ट यू, मन की वो वृत्तियां जो इस पाथ पर चलने से आपको रोकेंगे, तो ये आगे बढ़ने नहीं देंगे, ये बार बार आपको रोकेंगे। तो ये कौन है, इनके बारे में समझ लेना चाहिए। तो जैसे कृपाचार्य, ही रिप्रेजेंट्स अविद्या, एंड आई थिंक
अविद्या को थोड़ा सा क्या समझाएं। अविद्या इज बड़ा बड़ा कमाल का शब्द है अविद्या। दिस इज कैन वी से इट इग्नोरेंस, बट द लिटरल मीनिंग इज हम जानते हैं कुछ चीज, हम गहरे में मानते हैं कि दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। हम किसी चीज को बहुत जोर से उस पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं, दिस इज व्हाट द लाइफ इज। बट इन रियलिटी दैट्स अ फॉल्स बिलीफ, दैट इज कॉल्ड अविद्या। तो इसी को माया कहते हैं, इसी को डिल्यूशन भी कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा शत्रु है। हमारे वो कन्विक्शंस, हमारे वो डीप रूटेड बिलीफ्स जो हमको कहते हैं कि दिस इज व्हाट लाइफ इज, तो यहां पे जो है वो अविद्या जो है, वो चीजें जो ठीक नहीं है लेकिन हमने अपने पूरे विवेक से, हमने अपनी पूरी बुद्धि से, हमने उनको ठीक मान लिया है, तो इसी को माया भी कहते हैं, इसको मोह भी कहते हैं, इसे डिल्यूशन भी कहते हैं, और इसके रूट में है अविद्या। सो दैट इज अ बिग चैलेंज। और ये वो पार्ट है जिसको हम ठीक मान के बैठे हैं कि हाँ ऐसा ही जीवन होता है। तो जैसे कहते हैं ना, दिस इज व्हाट लाइफ इज, दिस इज हाउ आई एम। तो हमारे जो कन्विक्शंस हैं, हमारे जो बिलीफ हमारे बारे में है, और जरा सोचिए कि अगर वो गलत हुए तो बहुत बार बच्चे अपने बारे में धारणाएं बना लेते हैं, मैं तो बस यही कर सकता हूँ, या मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, या मैं इस चीज के बिना नहीं रह सकता, मैं वो नहीं कर सकता। एंड ये बिलीफ जो है वो हमारे जीवन को बहुत कंट्रोल करते हैं। मैं किसी की नहीं सुन सकता, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करता। देर आर मैनी, आई एम टेलिंग यू, देर आर मैनी, एंड वी फील दीज आर गुड, एंड देन यू नो थिंग्स बिकम टफ फॉर अस। सो अविद्या इज वन ऑफ देम जो इस राह में हमको तकलीफ देते हैं। भीष्म जिनको कहा, वो अहंकार और अहम के प्रतीक हैं, तो वो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने रखते हैं। करण जो है वो राग के प्रतीक है, राग इज द अटैचमेंट, अटैचमेंट इज द ऑल कंडीशनिंग्स ऑफ द माइंड, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द बिगेस्ट चैलेंज वन ऑफ द दैट इज विकर्ण, जो रिपल्शन और द्वेष के प्रतीक है। तो हम हमें एक एक कंपैरिजन होता है, लगातार हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। तो योग सूत्र में जो है वो उसको बहुत अच्छे से समझाया है पांचली ने। फिर उसके बाद में जयद्रथ जो है वो हमारे भीतर की जो 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 बॉडी की जो तरफ जो एक इंक्लिनेशन होता है, बॉडी की तरफ जो एक अटैचमेंट होता है कि दिस इज बॉडी इज एवरीथिंग, तो वो उस सेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हम अपने आप को तैयार करते हैं, अगेन वी गेट इनटू दिस लूप। और फिर सोमदत्त के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज द ऑल एक्शन जिसको हम कहते हैं कि जो रिपीटेड टास्क, जो रिपीटेड एक्शंस वी डू अनकॉन्शियसली, जो हम करते चले जाते हैं, चाहते नहीं है कि ऐसा करें, पर अनकॉन्शियसली वी कीप रिपीटिंग व्हाट वी हैव बीन डूइंग। सो ही रिप्रेजेंट्स दैट। एंड द्रोणाचार्य, जैसे हमने पिछली बार बात की थी वन ऑफ द सेशन, ही रिप्रेजेंट्स द डीप रूटेड अनकॉन्शियस हैबिट्स ऑफ आर्स। तो ये सात बड़ी चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों से कैसे निपटें, इसमें अश्वत्थामा भी जो है एक आठवें हैं जिनको मैंने मिस कर दिया। अश्वत्थामा व्हाट ही इज द लेटेंट डिजायर, एंड व्हाट दैट लेटेंट डिजायर इज, जो ऐसी बहुत सी चीजें जो शायद हम एक कंडीशन लगाते हैं अपने बारे में, ऐसा होगा तो मुझे सुख मिलेगा जीवन में, ऐसा होगा तो मैं शांति से जी पाऊंगा, वो जो कंडीशंस हैं उनको अश्वत्थामा रिप्रेजेंट करते हैं। ही हैड एवरीथिंग, बट इफ यू सी हिज लाइफ, इफ यू स्टडी, इवन उनको अमृतत्व का वरदान प्राप्त था। तो अगर आप देखेंगे तो अश्वत्थामा, ये अमृतत्व का वरदान क्या है, यही एक ऐसी चीज है जो मरती नहीं है हमारे भीतर से,
हमारे अंदर एक कंडीशनिंग होती है, इफ ऑल थिंग्स विल बी लाइक दिस 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 दिस, इफ माय वाइफ विल बिहेव लाइक दिस, इफ माय सन विल बी लाइक दिस, इफ माय लाइफ विल बी लाइक दिस, इफ आई विल बी फाइनेंशियली लाइक दिस, इफ सोशली आई विल बी लाइक दिस, देन ओनली आई विल बी हैप्पी, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट टू बी हैप्पी इन लाइफ. सो दैट इज ऑल द इनर चेक्स, यू नो. So it was a outline about the both of the armies, both of the powers. May God bless all of us that we just proceed further on the positive path in life and do something good for us, for everyone around. Thank you, Megha ji. Thank you so much.